गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.3 क्लास 8 क्वेश्चन नंबर 3। क्या ए बी सी डी एक समान सूत्र, क्या ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम हो सकता है, पैरेललोग्राम हो सकता है यदि यदि फर्स्ट में दिया है एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यदि दिया है एंगल डी बराबर एंगल बी 180 अंश, एंगल डी के बराबर एंगल बी, हम जानते हैं कि कोई भी समांतर चतुर्भुज है, जैसे कि यह समांतर चतुर्भुज है ए बी सी और डी, तो d प्लस बी दिया है 180 अंश, तो कोई भी समांतर चतुर्भुज है उसके आसनकोणों का योग, उसके आसनकोणों का योग 180 अंश होता है। आसनकोण कौन से होते हैं, जैसे कि या भी ये एंगल है, ये एंगल है, ये फिर ये है, ये है, ये या ये, तो यह आवश्यक नहीं है, यह आवश्यक नहीं है, यह आवश्यक नहीं है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज हो, एक समानांतर चतुर्भुज हो, एक पैरेललोग्राम हो। पार्ट टू इसका दिया है, यदि ए बी बराबर है डी सी, ए बी बराबर डी सी दिया है 8 सेंटीमीटर, उसके बाद ए डी दिया है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, और बी सी दिया है 4.4 सेंटीमीटर, बी सी दिया है 4.4 सेंटीमीटर। अब देखो ए बी बराबर डी सी, ए बी बराबर डी सी, ये 4 सेंटीमीटर हो गया, और ये कितना है, सॉरी 8 सेंटीमीटर, और ये भी 8 सेंटीमीटर। ए डी दिया है 4 सेंटीमीटर और बी सी दिया है 4.4 सेंटीमीटर, तो यह पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, क्योंकि हम जानते हैं कि समानांतर चतुर्भुज की, पैरेललोग्राम की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। और इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है ए बी इज इक्वल टू डी सी, ये ठीक है, लेकिन इसमें दिया है ए डी इज नॉट इक्वल टू बी सी, ए डी इज नॉट इक्वल टू बी सी, यानी कि ए बी के बराबर सी डी तो दिया है, लेकिन ए डी के बराबर बी सी इसकी जो सम्मुख भुजा है वो बराबर नहीं है, अतः यह एक समानांतर चतुर्भुज नहीं है, यह एक समानांतर चतुर्भुज नहीं है। पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, इसका पार्ट नंबर 3 दिया है, यदि एंगल ए 70 डिग्री और एंगल सी दिया है 65 डिग्री, यानी कि एंगल ए ये वाला तो दिया है 70 डिग्री और एंगल सी ये दिया है 65 डिग्री, तो यह एक पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के
सम्मुख कोण, सम्मुख कोण समान होते हैं, सम्मुख कोण समान होते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें एंगल ए इज नॉट इक्वल टू एंगल सी, एंगल ए इज नॉट इक्वल टू एंगल सी, एंगल ए एंगल सी के बराबर नहीं है, इसलिए यह समांतर चतुर्भुज नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ये दिया है किसी समांतर चतुर्भुज के दो असंपूर्णों का अनुपात 3:2 है। समानांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए, समानांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। माना समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोण इनका अनुपात दिया है 2:3, तो इनको मेंशन कर लेंगे 2x तथा 3x, यानी कि 2x तथा 3x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, हम जानते हैं कि कोई भी समांतर चतुर्भुज है उसके जो आसन कोण होते हैं उनका योग 180 अंश होता है, 180 डिग्री होता है। कितना था 180 डिग्री, यानी दो आसन कोण, एक तो दे दिया 2x, दूसरा दे दिया 3x। अगर जमीन को इनका टोटल निकाल कितना चाहिए 180 डिग्री, बिकॉज क्योंकि समांतर चतुर्भुज की योग आसन कोण, समांतर चतुर्भुज के आसन कोण है और आसन कोणों का योग होता है 180 अंश। योग 3 × 2 = 5x बराबर है 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय 5, 5 × 3 = 15 हो गया 30 डिग्री। तो x क्या है हमारा 30 डिग्री। तो पहला आसन कोण क्या था, पहला कोण 2 × 30 यानी के 30 × 60 = 60 डिग्री। अगला दूसरा कोण हो जाएगा 3 × 30 ये 90 डिग्री। उसी प्रकार तीसरा कोण भी क्या हो जाएगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज होता है उसके सम्मुख कोण समान होते हैं, तो तीसरा 60 हो जाएगा। उसी प्रकार जो चौथा कोण हो जाएगा फोर्थ एंगल, वो भी हो जाएगा 90 डिग्री का। अगर हम इनका टोटल करेंगे तो टोटल कितना आना चाहिए 360 यानी कि 360 डिग्री। कोई भी चतुर्भुज है उसके सभी कोणों का योग 360 अंश होता है। तो माना चतुर्भुज के दो आसन कोण 2x और 3x, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम आसन कोण हम का योग करेंगे तो उनका योग कितना आएगा 180 डिग्री। तो x की वैल्यू फाइंड कर ली और ये चार कोण आ गए 60 डिग्री, 90, 60 और 90। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है किसी समानांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों की माप बराबर है, दो आसन कोणों की माप बराबर है, समानांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। एक समानांतर चतुर्भुज दिया है उसके दो आसन कोण है, मान लिया ये एक समानांतर चतुर्भुज है ए बी सी और डी, इसके कोई भी दो आसन कोण ले लेते हैं, ये ले लिया और ये ले लिया, ये दोनों कोण बराबर 3 हैं, तो इनको हम एक्स मेंशन कर लेंगे, ये भी एक्स की डिग्री है, ये एक्स की डिग्री है। तो माना समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोण x तथा x है। उसी प्रकार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, कोई भी दो आसन कोण है अगर उनको हम जोड़ेंगे उनका योग ज्ञात करेंगे कितना आना चाहिए 180 डिग्री, x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज क्योंकि ये क्या हो गए, ये हो गए आसन कोण, क्या हो गए आसन कोण।
एक्स और एक्स हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x की वैल्यू फाइंड कर ली 180 डिग्री बाय 2 90 डिग्री आ गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई 90 डिग्री। तो इसके सभी कोण समानांतर चतुर्भुज के चारों कोण 90 90 90 और 90, यानी 90 90 डिग्री के। क्यों? क्योंकि इसके दो आसन कोण दिए थे और समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं। इसमें एक चीज और, कोई भी समानांतर चतुर्भुज है उसके सभी कोण समान होंगे। ये भी 90 का, ये भी x था, ये भी x है, ये भी x है, 90 90 डिग्री के हो गए। और इसके आमने सामने की भुजा जो होती है वो इक्वल होती है, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने भुजा भी समान होती है, आमने सामने कोण समान हो गए। तो ये एक कौन सी आकृति बन गई, ये बन गया एक रेक्टेंगल, ये एक आयत बन गया। और आयत जो होता है वह भी एक समानांतर चतुर्भुज होता है, और वृत्त जो होता है वह भी एक समानांतर चतुर्भुज होता है।